आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दूसरे अभ्यास मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 240 रनों से पराजित किया, जिसके बाद टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां भारतीय बल्लेबाजों ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया, वहीं गेंदबाजों ने भी बांग्लादेशी टीम को अपनी सटीक लाइन लेंथ की बदौलत सिर्फ 84 के स्कोर पर ही ढेर कर दिया। टीम इंडिया की तरफ से दिनेश कार्तिक ने 94, हार्दिक पांड्या ने 80 और शिखर धवन ने 60 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 324/7 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश 84 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई, जहां उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3 रन 3 विकेट अपने नाम किए। इस शाही जीत के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 4 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले के लिए अपनी टीम की एकादश के संकेत दिए हैं। विराट कोहली ने कहा, मुझे अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बेहद खुशी हुई है। उन्होंने लाजवाब क्रिकेट खेला और विपक्षी टीम को आसानी से पराजित कर दिया। हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने शानदार क्रिकेट का नमूना पेश किया। रविंद्र जडेजा ने भी संयम के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा, हमने केदार जाधव और हार्दिक पांड्या को इसलिए मौका दिया जिस टीम का निचला बल्लेबाजी क्रम और भी ज्यादा मजबूत हो सके। विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या और केदार जाधव की तारीफ करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों को टीम इंडिया की तरफ से मौका दिया जा सकता है। वहीं कोहली ने दिनेश कार्तिक की भी जमकर प्रशंसा की है, जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ दिनेश कार्तिक को भी खिलाया जा सकता है।